हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एके क्रिएटिव्स। कैसे आप सब? आई विश कैसे होंगे आप लोग। तो हम लोग देख रहे थे क्लास 10 का मैथ्स का एग्जांपल्स, एक्सरसाइज 6.2 तक हम लोग का कंप्लीट हो गया था। एग्जांपल हम लोग 4-5 एग्जांपल 3-4 इसके पहले वीडियोस में 4-5 देख चुके थे। सॉरी, एग्जांपल 4-5 इसके पहले वीडियो में देख चुके थे। आज हम लोग देखेंगे एग्जांपल नंबर 6। तो आप वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे एंड बेल का आइकन दबा दे ताकि आप लोग को हमारे न्यू वीडियोस मिलते रहे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है हम लोग का एग्जांपल नंबर 6 में कि इन फिगर OA into OB is equal to OC into OD, so that angle A is equal to angle C and angle B is equal to angle D। क्वेश्चन है क्या क्या दे रखा है कि एक फिगर दिया हुआ है और बोल रहा है कि OA, ये जो है OA इंटू ओबी, OA इंटू ओबी इक्वल है OC इंटू ओडी के, OC इंटू ओडी के इक्वल है। तो हम लोग को प्रूफ करना है क्या कि ये एंगल जो है एंगल A एंगल C के इक्वल होगा और एंगल B जो है वो एंगल D के इक्वल होगा। ये हम लोग को प्रूफ करना है क्वेश्चन में। ये हम लोग को तो हाँ एंगल बी एंगल डी के हम लोग को ये क्वेश्चन में प्रूफ करना है। तो देखिए, ये क्वेश्चन को हम लोग प्रूफ करना है तो हम लोग को इसमें दे रखा है OA इंटू OB OC इंटू OD। अगर ये दोनों को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो हम लोग का OA बाय क्या आ जाएगा, OA बाय OC आ जाएगा और OD बाय OB आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो। और अगर साइड का रेशियो भी इक्वल आ जाएगा और हम लोग का जो ये एंगल है वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एक दूसरे के सिमिलर हो जाएगा। और अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा तो CPST करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से हम लोग का क्या होगा, ये एंगल ही एंगल सी के इक्वल आ जाएगा, एंगल डी एंगल बी के इक्वल आ जाएगा। तो हम लोग को यहाँ से एक आइडिया मिलता है कि हम लोग को क्या करना है, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को एक दूसरे के सिमिलर करना है। तो हम लोग का टारगेट क्या है, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना है। चलिए हम लोग इस दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करते हैं। पहले इसको इरेज कर देते हैं, हम लोग फिगर को सही से बना देते हैं। क्या है फिगर, ऐसे ऐसे वन और नेमिंग क्या था, हाँ ए ओ डी और ये बी और ये सी। तो हम लोग को इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना है किसी भी तरह से, हम लोग का टारगेट है। ठीक, तो हम लोग पहले किसी भी स्टेटमेंट को प्रूव करने के पहले क्या लिखते हैं, गिवन। तो गिवन लिखेंगे हम लोग, गिवन क्या हम लोग को OA इंटू OB किसके इक्वल है, OC इंटू OD के इक्वल है, ये हम लोग को गिवन है। और हम लोग को प्रूफ क्या करना है, गिवन क्या लिखाता है टू प्रूफ। तो हम लोग को प्रूफ क्या करना है, एंगल ए एंगल सी के इक्वल और एंगल बी को एंगल डी के इक्वल प्रूफ करना। तो हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं, गिवन टू प्रूफ तो देख लिया, हम लोग इसको प्रूफ देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। तो देखिए, हम लोग पहले ट्रायंगल का नेमिंग करते हैं। तो पहला ट्रायंगल हम लोग लिख लेते हैं ट्रायंगल ए ओ डी, यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल। देखिए, हम लोग को जो नेमिंग करना होता है ना ट्रायंगल का, ये देख के करना होता है। अगर हम लोग गलत नेमिंग कर देंगे ना तो हम लोग का जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होगा ना वो गलत आ जाएगा। तो देखिए, हम लोग को एंगल ए किसके इक्वल करना है, एंगल सी के इक्वल करना है। तो यहाँ पे ए की जगह पे हम लोग लिख देंगे यहाँ पे सी और ओ तो सेम है इन दोनों में। और उसके बाद डी, डी किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। तो डी के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, बी। तो हम लोग को कौन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना है, ए ओ डी और सी ओ बी को सिमिलर करना है। तो हम क्वेश्चन को एस करते हैं, ठीक है। और टू प्रूफ को हम लोग यहाँ साइड में लिख देते हैं कि हम लोग को टू प्रूफ क्या करना है, एंगल ए को एंगल सी के इक्वल और एंगल बी को एंगल डी के इक्वल करना है।
हम इन सबको इरेज कर रहे हैं, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। तो इरेज करते हैं, तो देखिए क्या है हम लोग का एओडी और सीओबी। एओडी और सीओबी में ओ गिवन तो हम मिटा दिए, गिवन हम लोग को क्या था, ओए किसकी, ओए इनटू ओबी, ये था ना हम लोग का गिवन। ओए इनटू ओबी इक्वल है ओसी इनटू ओडी, ये हम लोग को गिवन था, याद कीजिए ये हम लोग को क्या था, गिवन था। आप लोग देखिए क्वेश्चन में भी है और फिर गिवन में भी हम लोग लिखे हैं, ये हम लोग को गिवन था इन दोनों ट्रायंगल पे, ये हम लोग को गिवन है। अगर हम लोग को ये गिवन है तो अगर कॉस मल्टीप्लीकेशन करें हम लोग तो क्या होगा, ये और ये इसका रेशियो इक्वल हो जाएगा और इसका इसका रेशियो इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, ओ ए बाय ओ सी इज इक्वल टू ओ डी बाय ओ बी, ये हम लोग लिख सकते हैं इसको, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं इन टू में, तो इसको डिवाइड में हम लोग लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो ये हो गया। अब देखिए हम लोग को क्या मिला, साइड्स मिल गया। अगर हम लोग को साइड्स मिल गया और कोई एक एंगल को ढूंढिए तो क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल आराम से सिमिलर हो जाएगा। तो साइड्स तो हम लोग को मिल गया, अब एक एंगल हम लोग को चाहिए, तो क्या होगा एस साइड एंगल साइड से ये सिमिलर हो जाएगा, ऐसे एस प्रॉपर्टी से सिमिलरिटी से। तो यहाँ पे देखिए ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के इक्वल होगा कैसे, तो आप लोग बताइए कैसे होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये, और ये एंगल कैसा एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एंगल ए ओ टी किसके इक्वल है, एंगल सी ओ बी के इक्वल है। रीजन क्या लेंगे, वर्टिकली वी ओ ए, वर्टिकली वी ओ ए का मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देखिए हम लोग क्या आ गया, साइड एंगल साइड, ऐसे ऐसे सिमिलरिटी से क्या हो गया, एंगल ए ओ डी सिमिलर हो गया ट्रायंगल सीओबी के, ट्रायंगल एओडी और ट्रायंगल सीओडी सिमिलर हो गया। देखिए देयरफॉर ट्रायंगल एओडी सिमिलर टू, ये साइन सिमिलरिटी का होता है, अब तक तो समझ ही गए होंगे आप लोग, एंगल एओडी सिमिलर किसके हैं, एंगल सीओबी के। तो किस सिमिलरिटी के किस प्रॉपर्टी से ये दोनों सिमिलर हुआ एक दूसरे के, तो एस ये दोनों क्या है साइड है और ये क्या है एंगल है, तो एस ए एस प्रॉपर्टी से हम लोग का क्या हुआ, ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हो गया। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर है तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी और एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी, तो कैसे सी पी एस टी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। सीपीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो हम लोग को जो प्रूफ करना था, तो यही ना प्रूफ करना था एंगल ए एंगल सी के इक्वल है, एंगल बी एंगल डी के इक्वल है। तो लास्ट में हम लोग क्या लिखाएगा, हेंस प्रूव्ड, लास्ट में हम लोग को जो हेंस प्रूव लिखना होता है याद रखना है हम लोग को, हेंस प्रूव्ड लास्ट में लिखना होता है। तो लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, तो कितना आसान क्वेश्चन था हम लोग का, एग्जाम्पल नंबर 6। कि आप लोग को समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल नंबर 6 अच्छे से। और अगर फ्रेंड्स अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो के नीचे एक छोटा सा प्यारा सा लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आपने पूरा वीडियो देख लिया और लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना ना भूलें ताकि इस तरह के और वीडियोस आपको मिलते रहें।